कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़ा करना उल्टा पड़ गया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को लताड़ लगाई है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस ने दावा किया था कि जिन ईवीएम मशीनों का कर्नाटक में इस्तेमाल किया गया वो पहले दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल हो चुकी थी, जिस पर अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और कांग्रेस को कड़े शब्दों में झाड़ लगाई है और ऐसी सूचना देने वाले सोर्स का खुलासा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को पत्र लिखकर कहा है कि ईवीएम मशीनें ना तो दक्षिण अफ्रीका भेजी गईं और ना ही दक्षिण अफ्रीका ईवीएम का इस्तेमाल करता है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस को अच्छे से पता था कि कर्नाटक में ईसीआईएल द्वारा बनी नई मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। ईसी ने ये भी कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों को कर्नाटक चुनाव में हर चरण में ईवीएम के मूवमेंट और कमीशनिंग की जानकारी दी गई है। साथ ही आयोग ने कांग्रेस से पूछा कि आप सोर्स का खुलासा कीजिए जिससे आपको ये सूचना मिली है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम मशीनों पर संदेह जाहिर किया था। सुरजेवाला ने अपने पत्र में लिखा था, ये चिंताजनक है कि आयोग ने इस चुनाव में जिन ईवीएम को तैनात किया है वे दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में इस्तेमाल हो चुकी है। हमें अलग अलग स्रोतों से जानकारी दी गई है। ईसीआईएल के सॉफ्टवेयर से इन ईवीएम को रीवैलिडेशन और रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरे बिना सीधे दक्षिण अफ्रीका से मंगा ली गई है और आयोग से इन्हें प्रमाणित भी कर दिया गया। ईवीएम की पूरी सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर संदेह है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले गए थे। चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे।